अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे हम किस तरह से कंप्रेसर के ओवरलोड और रिले को टेस्ट कर सकते हैं। इस कंप्रेसर में फॉल्ट आ रहा है कि ये ऑन नहीं हो रहा, या फिर कह लें कि ऐसा फॉल्ट आए कि ये एम्पेयर काफ़ी ज़्यादा ले रहा हो, या फिर ये ऑन ही ना हो रहा हो। तो हम किस तरह से इसकी रिले ओवरलोड को टेस्ट करके इसको क्लियर कर सकते हैं कि क्या इसका ही फॉल्ट है कि क्या हमारी रिले ओवरलोड का फॉल्ट है। वीडियो अच्छी लगने पर आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पर अगर आप न्यू है इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को आपने नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ आए वो आपको मिलती रहें और आप ऐसे ही देख के फ़ायदा उठा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जब मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन नहीं हुआ। अब इसमें जो है क्या रीज़न था इसके ना ऑन होने का, तो मेरे पास इसकी ओवरलोड और रिले मौजूद है। इसकी ओवरलोड और रिले को हम टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको इन तीनों की आपस में कंटिन्यू जो है वो सर्किट चेक कर लेना चाहिए। कंटिन्यूटी वो आप अपने मीटर पर जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर रख कर जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर रख कर इसको टेस्ट कर लेना है। ओके, तीनों पॉइंट्स को ओके, इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है, ओके, तीनों में आपस में बन रहा है। और फिर एक एक को तीनों को आपने लगा कर जो है आपने क्या कर लेना है, सॉरी मैं फोकस कर लेता हूँ, कैमरा फोकस नहीं था। तीनों को आपस में कंटिन्यू टेस्ट करना है। ओके, तीनों में साउंड आपको मिल रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है। एक एक को आपने फिर तीनों पर पॉइंट रखकर बॉडी के साथ टेस्ट करना है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस शो हो या फिर कह लें कि यहाँ पर कंटिन्यू शो हो, वॉइस आपको सुनाई दे साउंड की, तो कंप्रेसर का ही डायरेक्ट इशू होगा। लेकिन अभी कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है और इसमें इशू नहीं है, लेकिन आपको ओवरलोड जो है वो टेस्ट कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप चेंज कर लें और इसको चेक कर लें। मैं आपको ओवरलोड चेक करने का तरीका बताऊंगा। ये जैसे ही मैंने उतारी तो मुझे पता चल गया कि ये ख़राब है। इसको आप जब हिलाएंगे तो इसमें से आपको आवाज़ आएगी जैसे कि कुछ इसमें जो है टूट चुका है और वो टूट कर काफ़ी बिखरा हुआ है और वो हिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि ये ख़राब है। या फिर ये ना भी हिल रहा हो, आप डायरेक्ट इसके ये दोनों पॉइंट्स में इसको कनेक्ट कर लें, कंटिन्यू टेस्ट कर लें। अगर कंटिन्यू ना बने तो ये बिल्कुल ख़राब है। लेकिन यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो है वो शो हमें हो रही है, मिल रही है रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अंदर से शो कर रहा है, लेकिन हम फिर भी इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये इसमें से कुछ हिल रहा है। तो मतलब कि ये टूट कर अंदर से क्रैक हो चुका है और वो बिखर चुका है और वो ख़राब हो चुका है। तो हम इसको कभी भी यूज़ नहीं करने वाले। मतलब सर्किट अगर बने और अंदर से इस तरह से कुछ भी टूटने की आवाज़ ना आए तो ये सही होगा, सर्किट ना बने तो ये ख़राब होगा दोनों का आपस में। इसी तरह मतलब कि इसका ये फॉल्ट निकल आया और इसी के साथ जो है इसमें ओवरलोड है, जिसके ऊपर से मैंने जो है फिटिंग उतार दी है। इसमें जो है एक बायोमेटल की एक जो है पतरी होती है वो भी मैंने उतार दी है। आपको समझाने के लिए इसमें एक रिंग होता है जो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, इसमें कनेक्ट है, फिर यहाँ से राउंड होकर इसमें कनेक्ट है। ओके, इसमें कनेक्ट है। तो यहाँ पर मतलब कि एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, ये कंप्रेसर को लगता है और यहाँ पर हमारी कॉमन वायर फेस जो है वो लग जाती है। इसका भी आप बहुत ही आसानी से इसका जो है कंटिन्यू टेस्ट कर सकते हैं, एक यहाँ पर लगा कर और एक जो है यहाँ पर लगा कर। तो इसका कंटिन्यू सर्किट कुछ भी नहीं बन रहा, तो यहाँ से साफ साफ जाहिर हो जाता है कि इसकी ओवरलोड भी ख़राब है। ये जो कॉइल है इसमें एक रिंग सा, ये जो है ये ख़राब हो जाता है, कह लें कि ये जल गया है तो ये ख़राब हो चुका है। तो इसका भी आप कंटिन्यू यहाँ और यहाँ पर लगाकर चेक करें, अगर ना बने तो ख़राब है, अगर बन जाए तो ओवरलोड सही होगी। तो ये तो इसके इन चीज़ों को टेस्ट करने का तरीका हो गया। अब हम कंप्रेसर को एक बार ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारा कंप्रेसर वाकई में ही सही है। ओके, ठीक है, कंप्रेसर हमारे करीब आ चुका है। अभी मैं इसमें जो है अपनी एक खुद से रिले जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास रिले है, इसकी कंटिन्यू भी बनती है और ये बीच में से बिल्कुल ही नहीं जो है ख़राब है जैसे कि उसकी ख़राब थी। तो चलिए मैं इसके एक पॉइंट पर ये लगा देता हूँ और मेरे पास ओवरलोड अवेलेबल नहीं है, वो होती तो मैं वो लगा देता, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो डायरेक्ट जो है कंप्रेसर के उस ऊपर वाले कॉमन पॉइंट पर लगा रहा हूँ
और दूसरी जो है हमारी ये डायरेक्ट नीचे रिले लग जाएगी और हम इसको चेक कर लेंगे। ये जब ऑन होगा आप साउंड से ही समझ जाएंगे कि इसमें जो है सक्शन डिस्चार्ज काम करना शुरू कर दी है और ये चल पड़ा है। ओके, तो मैं इसकी जो है अभी कनेक्शन कर लेता हूँ, इसको मैं न्यूट्रल और फेस लगा देता हूँ। तो चलिए मैं इसको अभी ऑन करने वाला हूँ, तो मैं स्विच को ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी कंप्रेसर जो है वो चल चुका है, इसकी सक्शन और डिस्चार्ज जो है वो अच्छे से काम कर रही है। इसका प्रेशर भी आप साउंड से सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहा है। ओके, तो मतलब कि ये जो है कंप्रेसर अभी अच्छे से चल रहा है, तो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। जी हाँ, इसको मैंने अभी ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको जो है क्लियर कर सकते हैं कि इसकी जो है रिले कैसे चेक की जाए और इसको जो है कैसे जो है आप क्लियर कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं सही। अगर आप चाहते हैं इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे ट्रेस की जाए मीटर की मदद से, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट कैसे रिले ओवरलोड के बगैर चलाया जाए, या फिर इसकी जो है कॉइल वाली रिले यानी कि दूसरी कैपेसिटर वाली रिले के साथ कैसे कनेक्शन होंगे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उन पर भी ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।